पिछले 11 वर्षों से हम लोग ये मेडिकल कैंप आयोजित करते हैं और इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि इस कैंप का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होए और लोगों को मेडिकल सुविधा से जो बहुत से लोग वंचित रहते हैं उनके लिए एक ये प्रोग्राम और ये कैंप उनके लिए उपयोगी साबित हो। ये कैंप 11 साल पहले हमारा बच्चा सौगात था जिसका देहांत हो गया, उसे ब्लड कैंसर था, उसकी याद में ये कैंप हर साल आयोजित किया जाता है। लगभग हमारा अनुभव है कि हर साल 2000 से 2500 लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचता है। और इसके बाद क्या होता है, जो जो ज़रूरतमंद लोग होते हैं, जैसे आप ये आई चेकअप कैंप होने के बाद अगर कैटरेक्ट ऑपरेशंस होते हैं, जो जैसे जो कैटरेक्ट पेशेंट्स निकलते हैं उनका मुफ्त में कैटरेक्ट ऑपरेशंस भी किए जाते हैं। इसमें विविध प्रकार के मेडिकल कैंप में सुविधाएं प्रदान की गई हैं, जैसे जनरल चेकअप है, ENT है, फिर आपका गायनिक चेकअप है, अस्थमा चेकअप है, ECG है, बोन डेंसिटोमेट्री है। इस तरह से अलग अलग जो सुविधाएं जो जो मेडिकल फील्ड से संबंधित है यहाँ पे जाने माने डॉक्टर्स आकर उनका चेकअप करते हैं। डॉक्टरों का तो के मदद के सिवा तो ये कैंप इतने सालों तक चलता ही नहीं। हर डॉक्टर, मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए आपके प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ये उनकी बदौलत है कि ये कैंप इतना सक्सेसफुल रहा है 11 साल तक, और उनका बहुत बड़ा रोल और बहुत बड़ा योगदान है। और हम मानते हैं कि जिसे कहते हैं मानव सेवा सच्ची सेवा, यही ये डॉक्टरों के मार्फत किया जाता है। प्रिंसिपल अजय कौल और हमारे सबके लाडगिले प्रशांत काशिद को दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि आज इतना बड़ा कैंप उन्होंने आयोजित किया है। इत्तेफाक से आज डॉक्टर आम्बेडकर की जयंती भी है और उसने इस फंक्शन को दोबारा कर दिया है, उसके हुस्न को दोबारा कर दिया है। हमारे प्रिंसिपल अजय कौल साहब का एक ही उद्देश्य है कि लोगों की सेवा किस तरह की जाए, और ये जो कैंप है वो उसी का एक पॉइंट है, उसी का एक रास्ता है। अजय सर तो हमेशा यही कहते हैं कि लाया था क्या सिकंदर, दुनिया से ले चला क्या, थे दोनों हाथ खाले बाहर कफन के निकले। इस दुनिया में हम कुछ नहीं लाए हैं और जाना भी खाली हाथ है। जो करना है इस दुनिया में लोगों की सेवा के जरिए, वो सवाब कमा लो, वो पुण्य कमा लो। और अजय सर का तो नेचर ही ऐसा है कि वो किसी को भी देखते हैं कि कोई आदमी तकलीफ में है तो वो हमेशा खुद से आगे बढ़कर आते हैं। और उनका मानना ये है कि भले मुझे कुछ तकलीफ हो लेकिन सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ नहीं होना चाहिए। उनका यही मानना है कि ठोकर से मेरे पांव तो जख्मी हुए मगर मैं खुश हूँ कि राह से पत्थर तो हट गया। इस तरह उनका मानना है और इसी उद्देश्य को लेकर वो काम करते हैं। और इतना बड़ा काम आप खुद देख रहे हैं कि इतना बड़ा कैंप सारे मुंबई शहर में कहीं भी इस तरह का बड़ा कैंप नहीं लगाया जाता है। कैंसर से लेकर TB से लेकर हर चीज़ के लिए यहाँ कैंप है, स्पाइन के लिए, आर्थराइटिस के लिए। और शायद आप लोगों ने इस तरह का कैंप कहीं मेरे ख्याल से देखा ना होगा। मैं फिर से एक बार अजय सर को, प्रशांत काशिद को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ। और मेरे साथी कॉरपोरेशन में जो माला अम्बेडकर साथ रहे हैं उनके भी आने पर मैं उनको स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। आज का जो मेडिकल कैंप है वो श्री अजय सर और श्री प्रशांत सर उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। एक कैंप का 11वां वर्ष है। ऐसा मैंने कैंप कभी मुंबई शहर में इतने बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज किया हुआ देखा नहीं है। ये जो कैंप है तो इसमें हर एक प्रकार की चिकित्सा हो रही है। आज भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती है तो ये बहुत दुग्ध शर्करा का योग है। तो मैं एक बार श्री अजय सर, प्रशांत सर, कॉलेज और सब जो हमारी कर्मचारी हैं उनका मैं
शुक्रगुजार हूँ। मैं खुद को मैं इतना फॉर्चुनेट समझता हूँ कि मैं यहाँ कॉलेज में एज ए प्रिंसिपल मैं काम कर रहा हूँ, तो थैंक्स। शुभ दिवस है आणि डॉक्टर भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती आहे, त्यानिमित्त ह्या विभागातील आणि सर्व नागरिकांना ह्या जयंतीनिमित्त हार्दिक शुभेच्छा। आणि ह्या जयंतीनिमित्त गेली 11 वर्षापासून चौगात एकता मंचतर्फे इथे मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय शिबिराचं आयोजन केलं जातं आणि हे आयोजन ह्या विभागातील सर्व की ज्यांना लोकांबद्दल जाण आहे आणि लोकांच्या मनामध्ये असं भिडलेलं असं व्यक्तित्व म्हणजे अजय कोल सर, आणि ह्या अजय कोल सरांनी हे वैद्यकीय शिबिर इथे आयोजित केलेलं आहे। खरोखर मोठ्या प्रमाणात अंधेरी पश्चिम विभागातील जनतेला गोरगरिबांना याचा लाभ होतो आणि ह्या शिबिरामध्ये म्हणा डायबिटीस टेस्ट म्हणा चष्मा मोफत देण्याचं म्हणा कॅन्सर डिटेक्शन म्हणा असे मोठमोठे जे आजार आहेत त्याच्याबद्दल डिटेक्शनचं काम या वैद्यकीय शिबिरामार्फत केलं जातं। खरोखर अजय कोल सर आणि प्रशांत काशीद म्हणजे त्यांचे सहकारी, पण ह्या दोघांनी मिळून अशा प्रकारचं मोठं आयोजन करणं, गरीब लोकांना मदत करणं, शालेय शिक्षणामध्ये महामेरू उभारण्याचं काम हे अजय कोल सरांनी केलं आहे आणि शून्यातून विश्व घडवण्याचं काम हे अजय कोल सरांनी केलं आहे, अशी एक मोठी हस्ती या विभागात आहे आणि जी गोरगरिबांसाठी समाजसेवा करत असते त्यांना व त्यांच्या सर्व टीमना आजच्या ह्या वैद्यकीय शिबिराबद्दल तसे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंती निमित्त हार्दिक शुभेच्छा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मेडिकल कैंप जो है ये आज 11वां मेडिकल कैंप है, 10 साल कंप्लीट हो गए हैं इसको, ये 11 साल से तकरीबन चल रहा है मेडिकल कैंप। और इस मेडिकल कैंप के लिए जितने भी गरीब पेशेंट हैं वो उनको इंतज़ार रहता है 14 अप्रैल का, और 14 अप्रैल को वो लोग आके एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह सारी बीमारियों का की डायग्नोसिस होती है, उनका ट्रीटमेंट होता है, और उसके बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में भी इनको दवा की ज़रूरत है तो हमारा जो एकता मंच है वो एकता मंच बाद में भी उनकी सहायता करता है। ये लगभग 2000 मरीज तक आते हैं, थोड़ा सा कम ज़्यादा, लेकिन एक अंदाज़ा है कि 2000 तक के करीब आते हैं पेशेंट। और इस कैंप में तकरीबन हर तरह की बीमारियों का चेकअप होता है और फ्री में चेकअप होता है, उनकी डायग्नोसिस होती है और उसके बाद उनका पूरा इलाज होता है। देखिए इसके जो हमारे मेन अजय कोल सर हैं उनको गरीबों की इतनी दुआएं मिलती हैं, वो अगर हम ये कहें कि वो गरीबों के मसीहा हैं तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। हर तरह के उसमें वो खड़े रहते हैं, कोई भी ज़रूरत हो गरीबों को, ये तो एक इलाज है, ये दवा है, इसके लिए भी, इसके अलावा भी कभी बहुत बड़ी बीमारी होती है तो उसके लिए भी वो पूरी तरीके से सहायता करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मैसेज जाता है कि ये लोगों को मतलब इस तरह से आगे बढ़ के लोगों की मदद करना चाहिए, हालाँकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस तरह का आयोजन करके लोगों को फ़ायदा पहुँचाएँ। जो नहीं आते हैं इस तरीके का मेडिकल कैंप में, ये सोचकर कि एक रोज़ा मेडिकल कैंप होता है उसके बाद कुछ होता नहीं है, उन लोगों से क्या आप? नहीं, उनकी ये सोच गलत है, क्योंकि अगर वो एक बार यहाँ आके देखेंगे तो जो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिनके डायग्नोसिस के लिए बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, यहाँ पर सब फ्री में होता है, तो उनको ये पता चलेगा। उनको मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे कैंप को कभी जो है इग्नोर ना करें, ऐसे कैंप में ज़रूर शामिल हों, और जो छोटी मोटी बीमारियाँ हों, बड़ी बीमारियाँ हों, उनकी डायग्नोसिस हो जाती है, उनका आगे फिर पूरा ट्रीटमेंट हो जाता है। और इसके लिए मैं जो है दुआएं दूंगा अजय सर को और उनकी पूरी टीम को कि अल्लाह उनको जो है सेहत दे और आगे जो है इसी तरह से वो काम करते रहें।